वेलकम टू टेक्नोविद फ्रेंड्स। यहाँ आपको मिलते हैं विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन के लिए तैयार किए गए खास टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ट्यूटोरियल्स। तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने सारे फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिए टेक्निकल ज्ञान। जी हाँ फ्रेंड्स, ये है टेक्नोविद फ्रेंड्स यूट्यूब चैनल, आपका दोस्त हमेशा आपके साथ। नमस्कार मित्रों, संदीप कुमार शर्मा। अब हम पाइथन के लेसन को शुरू करने वाले हैं। क्या अभी लेसन पाइथन का शुरू हो गया है, पहला लेसन। आज हम इसके विषय में जानेंगे कि पाइथन है क्या दरअसल, और इंट्रोडक्शन करेंगे और फिर उसके बाद हिस्ट्री भी थोड़ी पता करेंगे। तो सबसे पहले हम हिस्ट्री के विषय में बात करते हैं कि पाइथन कब से शुरू हुआ। पाइथन 1989 से शुरू हुआ, 1989 में गाइडो वैन रोसम नाम के एक साइंटिस्ट हैं कोई, तो उन्होंने इसको ईजाद किया था। और धीरे धीरे फिर इसका परिवर्तन होता गया 1991, फिर 1994, 2008, इस प्रकार से आगे बढ़ता गया। अभी ये 3.8.3 वर्जन का है, जिसके अंदर बहुत सारे जानदार फीचर हैं और जो कि आपके लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होगा। ये जो लैंग्वेज है इसको बोलते हैं इंटरप्रेटर ओरिएंटेड जनरेटेड और हाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विद डायनेमिक सिमेंटेक्स। ठीक है, अब हम एक एक चीज़ का अर्थ करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि दरअसल ये सब चीज़ें हैं क्या, ये नाम नए हैं हमारे लिए। हो सकता है आप में से कुछ एडवांस होंगे तो उनके लिए नाम ये बहुत आम होंगे, लेकिन मेरे जैसे के लिए नए नाम हैं। मुझे थोड़ा बहुत ही जो है समझ आया है, तो जितना मुझे समझ आया मैं उतना ही आपको समझाऊंगा। तो सबसे पहले इंटरप्रेटर पे बात करते हैं। इंटरप्रेटर जो होता है वो हमें ये सुविधा देता है कि हमारी जहाँ पर गलती हो वहाँ पर हमें स्टॉप कर दे। मतलब तात्पर्य हो गया कि हमने तीन लाइनें कोड की भाषा में, तो हमारी जो तीसरी लाइन है उसमें कोई एरर है, तो तीसरी लाइन में एरर है तो आपको वहीं वो स्टॉप कर देगा। लेकिन जब आप प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे या प्रोग्राम को रन करेंगे, तब वो जो ऊपर वाली दो लाइनें हैं उसको वो आपको रिजल्ट दे देगा, दो लाइनों का आउटपुट आपको देगा। तीसरी लाइन तो वो अपने आप ही स्टॉप हो गई, इसके बाद आप लिख ही नहीं पाएंगे, तो एरर है, उस एरर को आपको ठीक करेंगे। लेकिन कंपाइलर में अब जो सी इत्यादि जैसे जावा इत्यादि लैंग्वेज है, तो उसके अंदर कंपाइलर होता है, वो इंटरप्रेटर नहीं होता है। तो कंपाइलर में क्या, आप चाहे 5 लाइनें लिखे 10 लाइनें लिखे, वो एरर आपको बता देगा, लेकिन लाइनें रुकेंगी नहीं, आप लिखते जाइए। लेकिन जब आप उसको रन करने की कोशिश करेंगे तो वो आउटपुट नहीं देगा आपको, वो आपको बता देगा यहाँ पर एरर है, पहले एरर ठीक करो तभी प्रोग्राम आउटपुट आपका निकलेगा। तो इंटरप्रेटर का सीधा सा हो गया, कंपाइलर इंटरप्रेटर में बस इतना ही फर्क हो गया कि आपको सीधा सीधा ये पता लग जाता है हमें कि ये जो है लैंग्वेज जो हमारा हमने जो लिखा है वो मतलब चाहे 10 लाइनें लिखी या 15 लिखी जो भी लिखी, तो वो लाइनें हमारी जहाँ जहाँ एरर होगा कंपाइलर हमें बता देगा, और फिर वो उसको प्रोग्राम को जब तक हम एरर ठीक नहीं करेंगे, वो चाहे पहली लाइन हो दूसरी लाइन हो आपका, चाहे एरर 8वीं लाइन में ही हो बोले, लेकिन वो कोई भी लाइन का आउटपुट नहीं देगा। इंटरप्रेटर में आपने अगर 7 लाइनें लिखी है तो 6 लाइनों का आउटपुट आपको मिलेगा, साथ ही में एरर है तो वहीं पर रुक जाएगा, फिर आगे लिखेगा ही। तो हमें एक अनुभव मिल जाएगा, हमें थोड़ा आसानी होगी कि हाँ यार यहाँ पे एरर, हम इसे ठीक कर लेते फिर आगे प्रोग्राम करेंगे। नहीं तो हम सोचते हैं 6 लाइनों का आउटपुट हमें चाहिए तो उतने से हमारा काम बन रहा है, तो वो फिर वो निकाल लेंगे। ओरिएंटेड जनरेटेड है, जैसे जावा है वैसे ही ये ओरिएंटेड जनरेटेड होता है, इसके विषय में आगे डिटेल में बात करेंगे। इसके बाद है हमारा हाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये एक हाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसके अंदर आप अल्फ़ाबेट या फिर अपना सिंबल्स या फिर अपना न्यूमेरिक ये सब कुछ ऐड कर सकते हैं। जैसे उदाहरणार्थ मैंने a=5 लिखा, तो हमें पता लग गया कि a तो जो है हमारा अल्फ़ाबेट है, इक्वल जो है एक सिंबल है, यानी कि इक्वल किसको बोलते हैं, बराबर, हिंदी में बराबर बोलते हैं इसको, और 5 जो है हमारा अंक है। तो इसका अर्थ हो गया ये जो है हमारा हाई प्रोग्रामिंग है। तो हाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऐसे ही कुछ शब्द होते हैं, तो जो ऐसे ही अक्षर होते हैं, जैसे पहले अल्फ़ाबेट आ गया, फिर कोई हमने इक्वल साइन या कुछ भी लगा दिया, फिर उसके बाद में हम
न्यूमेरिक लिखेंगे, ठीक है। आशा आप इस बात को समझ गए होंगे। आगे अगर चलें तो हम कहते हैं डायनेमिक सिमेंटिक्स। पाइथन एक डायनेमिक टाइप की लैंग्वेज है कि मैंने यहाँ पर a इक्वल टू 5 लिखा तो प्रोग्राम रन होगा तो उस समय ये पता लग जाएगा कि इसका डेटा टाइप क्या है। जैसे 10 मुझे पता है कि 10 क्या है, 10 आप सभी जानते हैं कि एक इंटीजर वैल्यू है। तो ये डायनेमिक जो लैंग्वेज है पाइथन की, अपने आप जब डेटा एंट्री जब होगी तब ये अपने आप मतलब डायनेमिक टाइप जब रन टाइम में पता लग जाएगा ए की वैल्यू में क्या स्टोर है। जैसे ए की वैल्यू में क्या स्टोर है, ए की वैल्यू में हमने जैसे ए इक्वल टू 10 तो ए की वैल्यू में 10 स्टोर है। तो जैसे जैसे हम रन करेंगे, रन टाइम पर पहुँचेंगे, तब ये इसको अपने आप पता लग जाएगा, ये अपने आप पता लगा लेगा कि ए के अंदर जो स्टोर है वो 10 है। हो सकता है थोड़ी बातें आपके ऊपर से निकल रही होंगी, लेकिन जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तब ये बातें आपको अच्छे से समझ आएगी, क्योंकि कोई भी चीज़ को तुरंत से तुरंत समझा नहीं जा सकता है। पहला लेसन हो सकता है आपको बोरिंग भी लगे, लेकिन बाद में जब प्रैक्टिकल करोगे ना मेरे साथ तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है। हो सकता है मैं थोड़ा समझा नहीं पा रहा हूँ, होता है आदमी से गलती हो जाती है, कोई चीज़ नहीं समझा पाता है, लेकिन खैर आप मुझे कमेंट कीजिएगा, सर आपने भाई मुझे बता दीजिएगा आपने गलत बताया या फिर, वैसे मेरे हिसाब से तो मैंने ठीक ही बताया, लेकिन अगर मैंने कोई शब्दों में हेर फेर कर दिया तो उस विषय में आप मुझे बताइएगा, तो फिर मैं आगे इसको सुधार कर लूँगा। जैसे आप इसके अंदर सी सी प्लस प्लस कर रहे हैं या सी जो कोई भी सी लैंग्वेज को कर रहे हैं तो वेरिएबल का टाइप हम पहले डिसाइड करते हैं ना, तो इसके अंदर हम कोई पहले डिसाइड करने की ज़रूरत नहीं है, वो बाद में अपने आप ही जो है वो अपने आप ही कर लेगा। जैसे आप ए इक्वल टू 5 लिखा तो ए इक्वल टू 10 वो रन टाइम पे खुद ही चेक कर लेगा ए के अंदर क्या स्टोरेज की है, इंटीजर वैल्यू क्या डाली है, वो पहले स्टोर कर लेगा। तो डायनेमिक का मतलब ये होगा। अब नेक्स्ट है सिमेंटेक्स। पाइथन का जो सिंटेक्स होता है, सिमेंटेक्स नहीं वो सिंटेक्स होता है, वो कंप्रेस्ड है। कंप्रेस्ड का मतलब आप समझ गए, छोटा। जैसे अपन जिप को करते हैं ना, जैसे कोई भी फोल्डर है उसको कंप्रेस कर दिया, कोई गाना है उसको कंप्रेस कर दिया, तो कंप्रेस का मतलब उसका जो है साइज कम कर दिया हमने, तो ये साइज कम करने वाला ऑप्शन होता है। तो जैसे मैंने a इंटू 10 लिखा तो पाइथन में एक प्रिंट का फंक्शन होता है, तो मैं a को प्रिंट के लिए पास कर दूंगा, मतलब कि a को कर दूंगा प्रिंट a, तो वो अपने आप उसको a इक्वल टू 10 इसको प्रिंट निकाल देगा। जैसे अब आपको एक उदाहरण और दूं मैं, अब इसको अपन ऐसे कहें सी सी प्लस में करेंगे तो उसमें क्या होगा, पहले 10 लाइन का कोड लिखना पड़ेगा। तो इसका कोड देखो, अपन ने एक 10 लाइन का कोड लिखा, एक एक कोड में ही सिंपल समा गया सारी चीज़ें, तो वो इसको कंप्रेस बोला जाता है, इसको सिंटेक्स कहते हैं कोड की भाषा में। तो हमें दो नंबर को ऐड करके एक इक्वल टू 10 ले लिया। जैसे अब आप ऐसे समझिए, मैंने एक इक्वल टू 10 ले लिया और बी इक्वल टू 10 ले लिया, b इक्वल टू 20 ले लिया, सॉरी, ठीक है ना, ऐसे समझेंगे आप, या फिर a इक्वल टू 10 या b इक्वल टू 10 भी ले लेते हैं। तो दोनों को जैसे हम अब मुझे को प्रिंट करना होगा तो मेरे को a इक्वल टू 10 या b इक्वल टू 10 नहीं लिखना, मुझे लिखना है प्रिंट a प्लस b। तो प्रिंट a प्लस b ऐसा करेंगे तो हमारे पास का सम आ जाएगा, यानी कि 10 और 10 हो गया 20, तो इक्वल आ जाएगा इसका 20। तो इस तरह से उत्तर आ जाएगा आपको इसको, प्रिंट ए प्लस बी हमने लिखा, तो अब ए प्लस लिखते उत्तर आ जाएगा 30 आंसर आ गया। तो इसके अंदर कर्ली ब्रैकेट को लिखने की जरूरत नहीं है, हमें कोई और भी कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर हमें सिर्फ इंडेंटेशन और वाइट स्पेस को मैनेज करना है सिर्फ, ठीक है ना, सेमी कोलन भी नहीं लगाना, कुछ भी नहीं लगाना। सी सी प्लस प्लस में अपन आपको बस इतना सा प्रोग्राम, जैसे प्रिंट ए प्लस बी, तो हमारे पास जो है इसका प्रिंट का मतलब हो गया, इसका मतलब उत्तर आ जाएगा ए प्लस बी, यानी कि ए इक्वल टू 10 लिखा, बी इक्वल टू 10 लिखा, तो यहाँ पर इन दोनों को जो जोड़ है हमारे पास आ जाएगा 20, यानी कि 20, 10 10 20 होते हैं, ठीक है ना। तो ए प्लस बी लिखते ही हमारे पास इसका प्रिंट आ जाएगा, कि प्रिंट का मतलब ये होगा बस ये उत्तर आ जाएगा, कि मतलब इसका उत्तर ये है, ठीक है ना। तो ये एक चीज़ समझने वाली बात है। इसके अलावा तो ये आपको बात समझ आ गई। इसका बाद अब इसके विषय में और क्या बताऊँ आपको, थोड़ी सी और बात करते हैं। तो ये आपको समझ आ गया इंटरप्रेटेड
ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हाई लेवल प्रोग्रामिंग डायनेमिक सिंटेक्स के साथ, ठीक है, ये पूरा इसका नाम हो गया। सिमेंटेक्स भी बोल सकते हैं, सिंटेक्स बोलते हैं, ठीक है। मैंने आपको पूरी बात सारी बता दी। अब थोड़ा सा हिस्ट्री पर फिट जोड़ डालें तो ये मैंने बताया था 1989 पे, बताया था आपको नाम भी, गाइडो वैन रोसम। इसका फर्स्ट वेरिएंट आया 1991 में आया था, फिर 1991 में थोड़े से इसमें नए फीचर आ गए थे, और 1994 में इसके 1.0 के साथ ये रिलीज हुआ था। लैम्डा इत्यादि फंक्शन इसके अंदर आ गए थे फिर 1994 में। इसके बाद फिर हम एडवांस फीचर भी, हमने कुछ प्रोग्राम को और भी अच्छा बनाया जा सकता था। फिर 2.x आया था 2008 में आया था, अभी जो वर्जन चल रहा है 3.x यानी कि 3.8.3 करंट में वर्जन आप देखते हैं, तो आपको वही डाउनलोड करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो अब इसको हम यूज करके कुछ नए प्रोग्राम बना सकते हैं। 2.x आया था वो भी अच्छा था, उसके अंदर बहुत सारे गार्बेज कलेक्शन इत्यादि, कंप्रेशन हो गया इत्यादि, ये सारे फीचर पहले वो 2.x लेकर आया था, तो प्रोग्राम को थोड़ा और भी ठीक किया था। अब तो बहुत शानदार हो गया है, और हम समझेंगे प्रोग्राम। अब इसके बाद में अब हम देखते हैं कि ये हिस्ट्री भी हमारी क्लियर होगी, और हमने एक बार इसकी लैंग्वेज को भी थोड़ा समझा कि क्या होता है। हो सकता है आपके ऊपर से गई हो, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन फिर भी मेरा उद्देश्य आपको समझाना। मैं थोड़ा सा क्योंकि मैं ये इतना बड़ा जो कठिन सब्जेक्ट है पहली बार हाथ में लिया, तो थोड़ा सा मतलब घबराहट भी हो रही है, तो आप मेरा साथ देंगे इस विषय में, क्योंकि हमने इस पहले ब्लाइंड टेक्नोलॉजी का जो अपना चैनल है, इसमें पहले चैनल ने ऐसे हिम्मत की है कि पाइथन पे कुछ काम किया जाए। इसके लिए मैंने कई सोर्स ढूंढे हैं, काफ़ी सारे यूट्यूब चैनल्स भी देखे हैं, और काफ़ी सारी गूगल पे भी जानकारी प्राप्त की है, थोड़ा मैंने मेरे मित्रों से संपर्क किया है, तो धीरे धीरे हम इस विषय में मिली जुली जानकारियाँ मैंने जुटा कर, जितनी मुझे समझ आई उतनी मैंने इसके अंदर संग्रहित की हैं। इसके बाद अब हम इसकी फीचर देख लेते हैं। सबसे पहला फीचर तो ये कि ईजी टू लर्न, हम बिल्कुल आसानी से इसे सीख सकते हैं, तो ये पहला फीचर है। बहुत ही अच्छे से हम इसको समझ सकते हैं, थोड़ा सा कोर्स करने के लिए हमें कंसंट्रेट तो करना पड़ेगा, कंसंट्रेट करोगे तो आप सीख जाओगे। तो सिंटैक्स बहुत ही सिंपल है इसके, आप देखते ही समझ जाएंगे कि क्या है, और ओपन सोर्स है ये, फ्री है, इसका कोई मतलब ऐसा चार्ज नहीं है। आपको कई इसके जो python.org पे जाएंगे तो वहाँ पर काफ़ी सारी इसकी लाइब्रेरी भी है, वो लाइब्रेरी मिल जाएगी, उस लाइब्रेरी से आप बहुत ही ज़्यादा शानदार प्रोग्राम अपने हिसाब से अपने तरीके से आप इसे रन कर सकते हैं। इसके अलावा डाउनलोड करेंगे और इसके पैकेज भी बहुत ही फ्री मिलेंगे आपको, काफ़ी सारे इंस्टॉल कर सकते हैं, अपने प्रोग्राम को और भी सुंदर बना सकते हैं, और स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है इसके अंदर, तो बहुत सारी चीज़ें जिस एरिया में काम करना है। अब आपको वेब एप्लीकेशन पे काम करना है तो, और इसके अलावा आपको वीडियो सॉफ्टवेयर पे काम करना है, या फिर आपको और भी कोई चीज़ पे काम करना है, अलग अलग चीज़ें हैं उसके लिए। मशीन लर्निंग पे काम, NumPy हो गया, और काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसमें, तो वो उस विषय में समझेंगे। ये सब फ्री में मिलेगी आपको, कोई भी आपको पैसा नहीं देना उसका। अब क्रॉस प्लेटफॉर्म है ये, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में आप इसको काम कर सकते हो, जैसे आप विंडो पे, लिनक्स पे, किसी पे भी काम कर सकते हो। तो विंडोज़ में अगर आपने प्रोग्राम बना के फाइल को ले जाके लिनक्स पे भी आप इसको प्ले कर सकते हैं, उसको वहाँ पर चला सकते हो। एस क्रॉस प्लेटफॉर्म का सीधा सीधा अर्थ हो गया कि भाई विंडो पे हमने कोई फाइल बनाई और उसे लिनक्स पे चलाएं तो वो बिल्कुल चल जाएगी, पाइथन के जरिए ऐसा हो सकता है, दिस इज कॉल्ड क्रॉस प्लेटफॉर्म। ओके, इसके अलावा इंटरप्रेटर लॉजिक तो मैंने आपको बता ही दिया, उसके 1x1 कोड को रीड करके और आपको एग्जीक्यूट करके आपके सामने रिजल्ट निकालता है, ठीक है ना। और एक मल्टीपल, ये इसके अंदर कैसे समझोगे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन के हिसाब से भी इसे भी यूज किया जा सकता है, और दूसरे तरीके से भी, सिंपल तरीके से भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो, आपके स्ट्रक्चरल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और सिंपल, इन तीनों तरीके से आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। हाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये, मैंने आपको पहले ही बता दिया, इसकी प्रोग्रामिंग हाई लेवल की होगी, तो इसको बताने की आपको ज़रूरत नहीं है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। इसके अलावा एक्सपेंडेबल लैंग्वेज है ये,
एक्सटेंडेबल लैंग्वेज का अर्थ होगा कि आप इसको दूसरी लैंग्वेज के साथ भी कंबाइन करके रन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो एक्सप्रेसिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है एक, तो इसका मतलब ये हो गया कि इसका सिंटेक्स देख के आप समझ जाएंगे कि इसका कोड क्या कह रहा है, ठीक है ना। तो जैसे प्रिंट हमने लिखा, तो प्रिंट के हमने लिखा हेलो, तो प्रिंट पे डबल कोटेशन में हेलो लिखा तो आपको तुरंत पता लग जाएगा कि हेलो को प्रिंट कर रहे हैं, तो ये एक्सप्रेसिव हो गया, तो आपको समझ आ जाएगा। तो हेलो को प्रिंट करना ये एक्सप्रेस हो गया, ठीक है ना। तो आप इसको डेस्कटॉप एप्लीकेशन के लिए भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं, और वेब एप्लीकेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, गेमिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, और आप जैसा भी बनाना चाहे। जैसे अपना उदाहरण हम समझे तो VLC है, जो VLC वीडियो प्लेयर हम देखते हैं, तो VLC भी पाइथन पे ही काम करता है, पाइथन पे ही चलता है VLC, ठीक है ना। और इसको आगे, इसके अलावा इसके थ्रू हम क्या क्या बना सकते हैं ये देखते हैं, हम पाइथन से क्या क्या बना सकते हैं, चलिए ये चीज चेक कर लेते हैं। तो नेटवर्किंग प्रोग्राम आप कर सकते हो इसमें, ठीक है ना। रोबोटिक किसके लिए यूज कर सकते हो, एप्लीकेशंस के लिए यूज कर सकते हो, और वेब एप्लीकेशन के लिए यूज कर सकते हो, डेस्कटॉप एप्लीकेशन के लिए यूज कर सकते हो, और वीडियो सॉफ्टवेयर जेंगो फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करके आप यहाँ पर वेब एप्लीकेशन का को तैयार कर सकते हैं, जेंगो फ्रेमवर्क बोलते हैं उसको। इसके अलावा और डेस्कटॉप टिंकर करके एक लाइब्रेरी है, डेस्कटॉप एप्लीकेशंस के लिए टिंकर एक लाइब्रेरी है, तो उसका इस्तेमाल करके आप डेस्कटॉप एप्लीकेशन को तैयार कर सकते हैं। और गेम डेवलपमेंट के लिए भी आप इसे यूज कर सकते हैं, वेब स्क्रैपिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं, और साइंटिफिक कैलकुलेशन के लिए भी यूज किया जा सकता है। मशीन लर्निंग जो होती है ना, NumPy का यूज करना पड़ेगा मशीन लर्निंग के लिए, तो आप साइंटिफिक कैलकुलेटर का भी मतलब तरीके से इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ ऊपर से जा रही होंगी बातें, क्षमा प्रार्थी हूँ। तो ये सारी चीजें आप समझ सकते हैं। अब मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल के लिए भी यूज होता है, और 3D एप्लीकेशन के लिए भी, वीडियो सॉफ्टवेयर के लिए भी यूज होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि VLC प्लेयर पाइथन से बना हुआ है। अब कौन कौन सी कंपनियां इसे यूज कर रही है तो हम देख लेते हैं। गूगल यूज करता है, नेटफ्लिक्स, फेसबुक, यूट्यूब, नासा और टोरेंट, इंस्टाग्राम और NSA, ये सभी पाइथन को यूज करते हैं। अब हम देख लेते हैं कैसे यूज करती है। सबसे पहले नेटफ्लिक्स करता है वीडियो की बफरिंग को अच्छा करने के लिए, ठीक है। नेटफ्लिक्स बफर को अच्छा करता है इसे। फेसबुक क्या करता है, लार्ज डेटा अमाउंट, जो खूब सारा डेटा है उसको संरक्षित करने के लिए, हैंडल करने के लिए, संभालने के लिए पाइथन का यूज़ करता है। यूट्यूब रिकमेंड सिस्टम को अच्छा करने के लिए इसका यूज़ करता है, और NSA साइंटिफिक कैलकुलेशन के लिए पाइथन को यूज़ करती है। टोरेंट क्या करता है, पेयर टू पेयर कनेक्शन करने के लिए पाइथन का यूज़ करता है। इंस्टाग्राम इमेज की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए और प्रोसेसिंग को बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल करती है पाइथन का, ठीक है ना। तो ये चीज़, और वो भी लार्ज डेटा का भी इस्तेमाल करती है। क्वेरा और ड्रॉप बॉक्स जो होता है, सर्वर साइट जो प्रोग्राम पे पीछे चल रही है उसको अच्छा करने के लिए यूज़ करता है, ताकि आपका जो डेटा है वो सुरक्षित रहे काफ़ी समय तक, तो उसको सर्वर को अच्छा करने के लिए करता है। और क्वेरा जो होता है वो रीडिंग और राइटिंग के लिए पाइथन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। तो ये बात आपको समझ आ गई होगी। और NSA साइंटिफिक कैलकुलेटर के लिए भी पाइथन का यूज़ करता है। तो ये कंपनियाँ आप लोग जानती होगी, और भी बहुत सारी कंपनियाँ हैं जो यूज़ करती हैं, यूज़ करके अपने प्रोग्राम को और भी बेहतर तैयार करती हैं। तो ये प्रोसेस है एक छोटा सा, जिसको कि आपको पाइथन की फीचर हिस्ट्री और कौन कौन सी कंपनियाँ पाइथन को यूज़ करती है और लैंग्वेज जो है किस तरह की है, ये सब चीज़ें मैंने आपको बता दी। तो कुछ कमी रह गई हो तो क्षमा प्रार्थी हूँ, आप मुझे फिर बताइएगा कि आपको और अच्छे से समझाना चाहिए था, मैं फिर कोशिश करूँगा। और जो चीज़ें इसमें नहीं समझ आई हैं वो फिर से पूछिएगा, मैं फिर से कोशिश करूँगा उसे समझाने की। हम आगे जो अगला जो वीडियो इसका बनाएंगे, तो हम उसमें सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेंगे ताकि हम पाइथन पर काम कर सकें, मिलकर काम करेंगे। और आपको अगर इसके विषय में कुछ नॉलेज हो तो बिल्कुल आप भी अपने वीडियो लेकर आ सकते हैं हमारे चैनल पर। तो टूटी फूटी जानकारी जो मेरे पास थी वो मैंने दे दी, तो क्षमा प्रार्थी हूँ, आपका समय ज़्यादा लिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।